मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला विवादों में आ गए हैं। विवाद का कारण है राष्ट्र ध्वज का अपमान। ऐसा हम नहीं, विपक्षी गुट का कहना है। और फिर मामला भी कुछ ऐसा ही है। हमें पता है बीते दिनों प्रदेश में मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया, जिसमें राजेंद्र शुक्ला को सागर और शहडोल का प्रभारी मंत्री बनाया गया। अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजेंद्र शुक्ला सागर के पीटीसी ग्राउंड में ध्वजारोहण और परेड के खास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने ध्वजारोहण किया, परेड को सलामी दी और जनता को संबोधित किया। जाहिर था इस सब की फोटोज भी खींची गई, फोटो सर्कुलेट भी हुई। खुद उप मुख्यमंत्री के एक्स अकाउंट पर ये फोटो शेयर की गई। अभी तक तो सब सामान्य था, लेकिन अचानक से किसी सोशल मीडिया यूजर की नजर पड़ी उप मुख्यमंत्री की जैकेट और उस पर लगे तिरंगे के बैज पर। ये बैज उल्टा लगा हुआ था, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री की आलोचना होने लगी। मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना ही नहीं जानती। हालांकि जब मामला गर्म हुआ तो राजेंद्र शुक्ला के एक्स अकाउंट से सारी फोटोज डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे, जिसको शेयर किया जा रहा है और यही आलोचना का कारण है।